हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ स्किल में। आज हम लोग सीखेंगे तीन पदों का गुणनखंड। हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। दोस्तों, हमें इसका गुणनखंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस, अब 24 का पहले हम छोटा छोटा गुणनखंड करेंगे, दो दूनी चार, दूनी आठ और तिरिक 24। 24 का गुणनखंड हमारा दो और तीन ये होगा। अब 24 के गुणनखंड को हम इस प्रकार से आपस में जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे कि हमारा 11 आ जाए। तो आइए देखते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी आठ और तीन 11। तो दोस्तों, दो दूनी चार दूनी आठ, तो यहाँ पे पहले 8x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 24। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x में हम कामन देखेंगे, तो यहाँ पे x कामन है। यहाँ पे बचा आपका x में से x घटा x प्लस 8x में से x निकल गया, यहाँ पे 8 पे प्लस है तो प्लस। इसमें दोस्तों हमारा तीन कामन रहेगा, तीन कामन ले लिया, हमारा यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 8। एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 को अलग कर लेंगे, हमारा एक कोष्टक में एक्स प्लस 8, हमारा एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। आइए कुछ हम लोग अलग से देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग चिन्हों का गुणनखंड जानते होंगे, प्लस गुणे माइनस बराबर, ये माइनस होगा। अगर माइनस और गुणे प्लस करेंगे तो भी ये प्लस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर प्लस प्लस का गुणा करते हैं हम लोग तो यहाँ पे प्लस होगा, और माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो बराबर प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं हम लोग अपना दूसरा सवाल। सेकेंड सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 12x, अब 20 का हम लोग इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे कि हमारा 12x हो जाए। तो 20 को आइए लिखते हैं, दो दूनी चार, पचे 20, तो हमारा पाँच दूनी 10, 10 दो 12। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 2x प्लस 10x प्लस 20। ठीक है, ये हमारा दोस्तों 2x प्लस 10x मिला के 12x हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में हमारा x कामन हो गया, तो यहाँ पे बचा x प्लस 2, दूसरे में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे x प्लस 2। दोस्तों हमारा अब x प्लस 2, x प्लस 2 हमारा यहाँ से ये हो गया, और अब बचा हमारे पास x प्लस 2, एक दूसरे कोष्टक में x प्लस 10। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आइए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर 120 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो आपका हो गया दो दूनी चार, चार पच्चे 20, चार पच्चे 20, 20 20 गुणे दो, पाँच दूनी 10, दो दूनी चार गुणे पाँच गुणे 3 गुणे 2, तीन दूनी छः, छः पच्चे 30, चलती 12। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम आपस में इस प्रकार से जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे कि हमारा 22x आ जाए। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो तीन दूनी छः दूनी 12, 12x माइनस पाँच दूनी 10, 10x प्लस 120। ठीक है दोस्तों, हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से हमारा x कामन हो गया, तो x माइनस 12 यहाँ पे हो गया,
यहाँ पे माइनस टेन कामन लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स, और प्लस माइनस का गुणनफल आपका माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 120 दस था, मैं 12 आ गया। ठीक है, हमारा एक्स ट्वेंटी माइनस एक्स ट्वेंटी हमारा यहाँ पे कामन हो गया, एक्स माइनस ट्वेल्व, एक्स माइनस ट्वेल्व और एक्स माइनस ट्वेल्व हमारा कामन हो गया, तो बस बचा एक्स माइनस टेन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्स माइनस टेन और यही हमारा हो गया आंसर। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। तो आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर को हम सेम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस फाइव का गुणनखंड फाइव गुणे वन। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। ठीक है, हमारा हो गया एक्स, यहाँ से हमारा एक्स कामन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस फाइव। यहाँ पे हम प्लस वन कामन लेते हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स मतलब यहाँ पे आगे एक रहता है, अगर कोई संख्या ना रहे तो आगे आप एक मान लीजिए, तो एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस फाइव। ठीक है, हमारा एक्स माइनस फाइव ये हमारा यहाँ से कामन हो गया, हमारे पास बचा एक्स प्लस वन, तो दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वन। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस वन हंड्रेड। दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा गुणनखंड दो गुणे दो गुणे दो दूनी चार, पचे बीस, बीस बीस दूनी चालीस, बीस बीस चौबीस, बीस पच्चीस सौ, पच्चीस पच्चीस दूना पचास, पचास दूना सौ। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस पाँच दूनी दस, ये हमारा हो जाएगा ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस फाइव एक्स। ट्वेंटी एक्स में से माइनस फाइव एक्स करेंगे तो हमारा फिफ्टीन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हंड्रेड। बस हमारा हल हो गया, एक्स हम एक्स यहाँ से कामन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी, दूसरे हमने माइनस फाइव कामन लेना है तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी, यहाँ पे भी हमारा हो गया सॉल्व। एक कोष्टक में हमारा एक्स प्लस ट्वेंटी हो गया कॉमन, हमारे पास एक्स माइनस फाइव, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस फाइव, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।